हेलो गाइज, वेलकम टू टिंकरिंग कू ब्लॉग्स। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइज अभी हम लोग हॉकी चौक में पहुंच चुके हैं और 5:15 हो रहा है गाइज, और हम लोग शाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि शाम होगा तो यहां का जो लाइटें हैं उसको ऑन करेंगे। तो ये जगह जो है वो बहुत ही खूबसूरत लाइट से सजाया गया है गाइज, तो इसलिए हम लोग शाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि शाम होगा तो यहां जो लाइट्स है उसको जलाएंगे, ऑन करेंगे, तो यहां रात में ही अच्छा दिखता है, इसलिए हम लोग रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं गाइज। तो गाइज जैसे जैसे शाम हो रहा है ठंड भी बढ़ रहा है, इसलिए मैंने ये सर को भी ढक लिया है गाइज, और अभी काफ़ी ठंड लग रहा है गाइज। तो गाइज वो रहा हॉकी चौक, आपको एक हॉकी प्लेयर दिख रहा होगा गाइज, वो जर्सी नंबर 6 लिखा है और उसके सामने की तरफ जो चौक है वो हॉकी चौक है गाइज, और वहाँ से एक एम्बुलेंस भी आ रही है गाइज इस तरफ से। और गाइज यहाँ पे रलकला पुलिस हेड पोस्ट भी है। और गाइज अभी शाम के 5:30 बज रहा है, तो देखो गाइज लाइट जो है वो धीरे धीरे अब जलना शुरू हो गई है, ऑन कर रहे हैं लाइट्स को। और गाइज यहाँ पे बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भी है गाइज, और यहाँ पे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप 4 से 8 तक होने वाला है। और गाइज यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप का भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर और रलकला में दोनों जगह पर होने वाला है गाइज। तो गाइज ये है बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, और अंदर शायद घुसने नहीं देंगे इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं गाइज अभी। और गाइज लोग आकर यहाँ पे बैठ रहे हैं इन बेंचों पर। और गाइज ये है हमारा बाइक और हमारा डबल हेलमेट गाइज, हम दोनों ने हेलमेट पहना है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है इसलिए गाइज। रहा है बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं गाइज यहाँ घूमने के लिए, और ये जगह जो है वो और भी खूबसूरत लग रहा है गाइज लाइट ऑन हो रहा है तो। और यहाँ पे आपको एक पेड़ के बीच में चांद दिख रहा होगा गाइज। तो गाइज अभी हमें रोड के उस साइड में जाना पड़ेगा गाइज क्योंकि वो जो हॉकी वर्ल्ड कप रलकला 2023 लिखा है वो उस ओर लिखा हुआ है, तो हम अभी जाएंगे उस ओर। और तो गाइज अभी ट्रैफिक खाली है तो मैं जा रहा हूँ। गाइज आप लोग देख सकते हैं उस साइड का जो लाइट है वो ऑन हो चुका है, और गाइज वहाँ पे जेपी टावर लिखा है और नीचे टीवीएस मोटर्स का शोरूम है गाइज। और तो गाइज ये जो इंडोर स्टेडियम है बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम है, यहाँ का जो लाइट है ये देखो गाइज ऑन हो चुका है, और जैसे जैसे रात होगा यहाँ का लुक्स और भी अच्छा दिखेगा गाइज। और गाइज इधर सर में ये गार्डन देखिए गाइज आप लोग, और ये जो पेड़ है गाइज इसमें भी लाइट है, ये भी थोड़ी देर में जलने वाला है।
तो गाइज अभी शाम के 6:10 हो रहा है और यहाँ की जो लाइटें हैं वो ऑन हो चुकी है गाइज। और आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से लाइट से सजाया गया है इस जगह को गाइज, बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और ये सब आर्टिफिशियल प्लांट्स है गाइज। गाइज वहां पे चांद है तो गाइज वहां पे आपको येलो कलर, उसके बाद रेड कलर, उसके बाद ब्लू कलर का जो रोज दिख रहा है वो सब आर्टिफिशियल है गाइज। गाइज तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कोई ड्रोन से शूट कर रहा है वीडियो। और यहाँ पे ये छतरी भी बनाया गया है गाइज, मशरूम, ये मशरूम की तरह है गाइज। तो गाइज वहाँ पे लिखा हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप रलकला 2023। आहे बगीला क्यों तो बना रही थी वीडियो देखो तो गाइस यहां पे ये भाई लोग कैमरा में वीडियो बना रहे हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं इस जगह को कितना खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और गाइज अभी अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो अंदर और भी अच्छा लगता गाइज। तो गाइज अभी जैसे जैसे रात हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं गाइज यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए। और गाइज हम लोग अभी हॉकी चौक के पास जा रहे हैं। तो गाइस ये है हॉकी चौक। तो गाइस जो गोल है वो हॉकी का बॉल है गाइस, और नीचे की तरफ
और नीचे की तरफ 6 स्टिक है गाइज, जो हॉकी स्टिक है। और इस तरह से हॉकी चौक को बनाया गया है गाइज। तो गाइज हॉकी चौक के ठीक सामने बनाया गया है गाइज। तो गाइज यहाँ पे 2 एलिफेंट्स हैं और वहाँ पे हॉकी स्टिक है गाइज, और बीच में हॉकी का बॉल है, और अल्ट्रा स्मार्ट सिटी एलटीडी लिखा गया है गाइज यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक क्लॉक टावर है गाइज। तो गाइज ये है क्लॉक टावर।